press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अधिकांश जांच योजना के मुख्य सूत्रधार लैब टेक्नीशियंस के 53% पद खाली हैं। प्रदेश भर में लैब टेक्नीशियंस के 6500 पद स्वीकृत हैं, जिनमें लगभग 3500 पद खाली हैं। एक तरफ क्लिनिकल एक्ट की शुरुआत की तैयारी है, राइट टू हेल्थ की तैयारी है, लेकिन दूसरी तरफ पिछले 3 साल में लैब टेक्नीशियंस के पदों पर कोई स्थायी भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। तो 3000 से ज्यादा, तकरीबन 3500 जो पद हैं लैब टेक्नीशियंस के, वो खाली पड़े हुए हैं। 53% ये पद हैं। आपको बता दें कि जिस वजह से जो तमाम कोशिशें हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, तमाम बेहतरी की जो कोशिशें हैं, वो अंजाम तक पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही हैं। आशुतोष जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, एक तरफ तमाम जो है कोशिशें हैं स्वास्थ्य महकमे को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, और 53% अगर टेक्नीशियंस के जो पद हैं वो खाली पड़े रहे हैं, तो जाहिर है वो तमाम कोशिशें कैसे अंजाम तक पहुंचेंगी? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि राजस्थान सरकार और उसका स्वास्थ्य महकमा लगातार ये प्रयास कर रहा है कि कैसे भी राजस्थान का जो स्वास्थ्य का ढांचा है, जो चिकित्सा महकमे का ढांचा है, वो मजबूत हो। एक के बाद एक योजनाएं सामने लाई जा रही हैं, और सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जो मुख्यमंत्री की है वो मुख्यमंत्री जांच योजना है। लेकिन उससे जुड़े जितने भी ये काम करने वाले लोग हैं पिछले काफी समय से अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं। महेश जी, कब से आपकी ये मांगे सामने रखते हुए आए हैं, और ये बताइए कि जनता पे इसका कितना बड़ा असर पड़ता है जब इतनी कम संख्या में लोग काम करते हैं? जी बिल्कुल, सरकार के जब चुनाव से पहले घोषणा की जाती है और बजट के अंदर वादे किए जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की वास्तविकता यह है कि पूरे प्रदेश भर में MNJY के तहत लगभग 15 लाख जाँचें रोज होती है, और इन जांचों को करने वाला होता है लैब टेक्नीशियन। प्रदेश में जब लैब टेक्नीशियन के पदों के बारे में बात करते हैं, तो लैब टेक्नीशियन के 6500 पद स्वीकृत है राज्य सरकार के द्वारा, जिनमें से लगभग 3000 पद ही भरे हुए हैं। अपन कहें कि लगभग 3500 पद, 53% से ज्यादा पद आज विभाग में लैब टेक्नीशियन के पद पड़े हैं। पिछले 4 साल में इस लैब टेक्नीशियन पद पे कोई भर्तियां नहीं निकाली गई। अब इस स्थिति में एक तरफ तो प्रदेश के जो बेरोजगार लैब टेक्नीशियन है उनको दूसरे प्रदेश की तरफ प्लान करना पड़ा है, दूसरी ओर हम कहें कि प्रदेश में जो 3000 लैब टेक्नीशियन है उनपे 15 लाख जांचें तो MNJY के तहत होती है। उसके अलावा जो राष्ट्रीय प्रोग्राम होते हैं, जैसे मलेरिया उन्मूलन है, या फिर अभी जो एपिडेमिक फैलते हैं मौसम बीमारियां, अभी डेंगू और मलेरिया जैसे मौसम में, इस स्थिति में जांचों की संख्या उससे भी और बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में प्रदेश में जो 3500 पद अगर लैब टेक्नीशियन के भर दिए जाए, तो हम कह सकते हैं कि एक जो जांच सुविधा है इसको और एक अच्छा आयाम मिल सकता है। आपके जो दूसरे बेरोजगार साथी हैं जिनको काम नहीं मिल पा रहा है, जबकि यहाँ अगर उनको अपने राज्य में काम मिल जाएगा तो वो बेहतर होगा, आप पे कितना काम का प्रेशर रहता होगा उस वक्त जब कम संख्या में आप लोग करते हैं? काम का सर बहुत प्रेशर रहता है काम करने पर, ये क्या हमारे मरीजों ज्यादा अधिक संख्या मरीज होने के कारण हमारा पूरा प्रेशर रहता है, और पूरे प्रेशर में कुछ जांचें ऐसी भी हो जो मरीज की अधूरी रह जाती है, और कुछ ये है कि तो उसमें एक काम प्रॉपर रूप से काम नहीं हो पाता है। अब तक कहाँ कहाँ आप लोगों ने मांग उठाई है, अब तक सरकार के सामने कहाँ कहाँ मांग रखी है? हमने हर जगह मांग उठाई है, डायरेक्टरेट में, CM हाउस में भी गए हैं और कहीं भी गए हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में, लेकिन हमारी कहीं पे भी नहीं सुनी जाती है। देखिए, ये बात बार बार हम सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तो ये योजना तमाम चल रही है, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी योजना सरकार की जो नई योजनाएं भी आने वाली, चाहे वो राइट टू हेल्थ की हम बात कर लें या दूसरी योजनाओं की बात कर लें, आपको लगता है कि इतने कम जो लैब टेक्नीशियन है उनके साथ में आप काम कर पाएंगे? जी बिल्कुल, अभी सरकार के द्वारा राइट टू हेल्थ और क्लिनिकली एक्ट के लिए दस्तावेज जारी किए गए, लेकिन उस क्लिनिकली एक्ट को असली अमली जामा पहनाने के लिए प्रदेश में 6500 पद जो लैब टेक्नीशियन के है ये तो भरने ही भरने चाहिए, साथ ही में लगभग 2000 पदों की नई स्वीकृति और होनी चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है कि जो कार्य का भार है वो ज्यादा होता है, और कार्य के भार की अगर यहाँ पर बात की जाए, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य महकमा और ज्यादा मजबूत हो, मरीजों को जो है राहत मिले, उसके लिए जरूरी है कि लैब टेक्नीशियंस जो है उन्हें भर्ती किया जाए और कुछ राहत जो है वो मरीजों को यहां पर मिले। बहुत शुक्रिया आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानने के लिए। उधर जोधपुर के लोहावट में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों और हथियारों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 700 ग्राम अवैध स्मैक, 1 किलो अफीम, दूध के साथ साथ 1 रिवॉल्वर और 50 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं।